उत्तरी भारत विच हाल ही विच हुई बारिश तो बाद गर्मी तबाही मचाउण लई तैयार हुई जापदी है। आने वाले दिनों च लोगों नूं गर्मी का सामना भी करना पै सकदा है। उत्थे ही आने वाले कुछ दिनों च भारत के ज्यादातर हिस्सों च वध तो वध तापमान वधन की संभावना है। उत्थे ही भारतीय मौसम विभाग अनुसार अगले पांच दिनों दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में वध तो वध तापमान में 2 से 4 डिग्री सैलसीयस का वाधा हो सकता है। हालांकि कई सूबे च मीह की भी संभावना है। उत्थे ही कर्नाटक तेलंगाना ते उड़ीसा विच वध तो वध तापमान 38 से 40 डिग्री सैलसीयस दे वल वध रहा है। जे गल करिए तो उत्तरी पछमी भारत दी तां गुजरात मध्य प्रदेश ते छत्तीसगढ़ विच तापमान आम नालों 2-3 डिग्री सैलसीयस घट है ते आम नालों उपर वल वध रहा है। अगले पांच दिनों दौरान उत्तरी पछमी दे मध्य ते पूर्वी भारत के कई हिस्सों विच वध तो वध तापमान हौली दे हौली 2 से 4 डिग्री सैलसीयस दी वधन दी संभावना है। इस तो पहला शुक्रवार यानी 7 अप्रैल नूं महाराष्ट्र तेलंगाना ते उड़ीसा विच हल्की बारिश गर्ज तूफान दे नाल गड़ेमारी हुई सी। इस तो इलावा अगले 48 घंटे दौरान तटवर्ती आंध्र प्रदेश तेलंगाना ते कर्नाटक विच अगले 5 दिनों दौरान गर्मी दे नाल हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इस नाल तापमान च ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। उत्थे जे गल करिए दिल्ली दी राजधानी दिल्ली विच हुण बरसात ने करवट लै लई है। पिछले 1-2 दिनों तो लोगों नूं गर्मी का सामना करना पै रहा है। मौसम विभाग दे अनुमान है कि आने वाले दिनों विच लोगों दी मुश्किलां होर वध सकदियां हन। शुक्रवार यानी 7 अप्रैल नूं तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया सी। दिल्ली विच सब तो गर्म स्थानां विच वध तो वध तापमान 34.5 डिग्री, नजफगढ़ विच 35.1 डिग्री, पीतमपुरा विच 35.5 डिग्री अते CWG स्पोर्ट्स कंपलैक्स विच 35.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्थे ही 8 अप्रैल नूं वध तो वध तापमान 34 डिग्री ते घट्टो घट तापमान 17 डिग्री रहन दी संभावना। अंशक तौर ते बदल छाए रहन दी भी संभावना कही जा रही है। मन्या जांदा है कि सूरज बलवान होवेगा 9 से 13 अप्रैल दौरान मौसम च तेजी नाल बदलाव होवेगा। इस गर्मी विच तापमान अजे 35 डिग्री तो उपर नहीं गया है, जिस दे हुण 36 डिग्री तक पहुंचन दी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द समर न्यूज़।